हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गुडलैक्स प्लस सिरप के बारे में। इस वीडियो में हम आपको गुडलैक्स प्लस सिरप की फुल इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, यूज, साइड इफेक्ट, डोज, प्रीकॉशन। यदि आपको गुडलैक्स प्लस सिरप पर फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक ही बने रहे। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर बताइए। चलते हैं गुडलैक्स प्लस सिरप की तरफ। यह है गुडलैक्स प्लस सिरप। सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये देखा गया है, ये गुडलैक्स है, ये मैनकाइंड का ब्रांड है, यानी कि जो मैनकाइंड है उसने इसको नाम दिया है गुडलैक्स प्लस सिरप। इसमें तीन एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं। जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं जिसकी मकदार हम बताएंगे, वो आपको हर एक 5 ml के अंदर आसानी से मिल जाता है। जिसमें पहला एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो रहता है लिक्विड पैराफिन। जो लिक्विड पैराफिन रहता है वो आपको 1.25 ml मिलेगा हर एक 5 ml के अंदर। और जो दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है आपको हर एक 5 ml के अंदर 3.75 ml आपको मिल जाता है। जो तीसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो रहता है सोडियम पीकोसल्फेट। जो सोडियम पीकोसल्फेट रहता है वो आपको 3.33 mg मिलेगा हर एक 5 ml के अंदर। ये हमने जो बताया है ये मकदार आपको हर एक 5 ml के अंदर आसानी से मिल जाएगा। फिर नीचे लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है कुछ, यानी कि ड्राई प्लेस पे स्टोर करना है इसको और सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है और 30 degrees Celsius के अंदर इसको रखना है। ये नीचे और कुछ रखा है, वीडियो को स्किप कर आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है रेड कलर के अंदर फॉर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि एक्यूट तो अभी जल्दी यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है गुडलैक्स प्लस लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मीन्स होता है जो स्टूल फंस गया है उसको निकालने में मदद करता है। जो हार्ड होकर स्टूल आंतों के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जम गया है उसको निकालने में मदद करता है। यह मार्केट के अंदर आपको 200 यानी कि 200 ml की पैकेजिंग के अंदर आसानी से मिल जाती है। पिपरमिंट फ्लेवर होता है इसका, पिपरमिंट के फ्लेवर में आपको आसानी से मिल जाएगी। शुगर फ्री होता है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यह मार्केट के अंदर आपको 170 rupees की मिलती है, यानी कि 200 ml की बोतल 170 rupees में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये नीचे लिखा हुआ है फ्यूचर मैनकाइंड का ही डिवीज़न है। वीडियो को स्किप कर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। उसके बाद देखते हैं इसके यूजेज में ये देखा गया है लैक्सेटिव की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि लैक्सेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। ट्रीट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को, यानी कि जहाँ पर कब्ज़ हो गया है कब्ज़ को ट्रीट करने के लिए भी आप गुडलैक्स प्लस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एसिड लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए, एसिड लेवल को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। गैस के साथ साथ यदि कॉन्स्टिपेशन है, यदि पेट में गैस बनी हुई है उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ बना हुआ है तो वहाँ पर भी आप आसानी से ले सकते हो। पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि एसिड के द्वारा जो घाव हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यदि एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो गया है आपको, वहाँ पर भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हो गुडलैक्स प्लस सिरप का। अब देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में ये देखा गया है नॉर्मली कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आते हैं। कभी कभी क्या होता है किसी पेशेंट के अंदर लूज़ मोशन हो सकते हैं, यानी कि दस्त हो सकते हैं। यदि इस सिरप को लेने के बाद लूज़ मोशन हो रहे हैं तो इस सिरप का यूज़ बंद कर दे और अपने डॉक्टर की सलाह ले। यदि कोई भी अनवांटेड इफ़ेक्ट नज़र आए तो भी डॉक्टर की सलाह ले। अब देख लेते इसके डोज के बारे में।
डोज के बारे में ये देखा गया जो अडल्ट पेशेंट है उनको 10 से 30 ml BD दी जाती है खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद, और चाइल्ड जिसकी एज लगभग 10 साल हो उसको 2.5 ml से लेकर 5 ml BD खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद दी जाती है। अब देख लेते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। प्रिकॉशन में ये देखा गया है यदि पहले से ही लूज मोशन हो रहे हैं तो इसका इंटेक ना करें। यदि प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर है तो डॉक्टर की सलाह पर ही इस सिरप का यूज करें। यदि इसकी इंफॉर्मेटिव वीडियो यदि कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए अपनी राय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।